प्रधानमंत्री मोदी आज देश के कई जिलाधिकारियों से करेंगे बात, जानेंगे विकास परियोजनाओं का हाल, कहां हुआ नकली आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश और क्या है कल होने वाले आरएसएस के सूर्य नमस्कार कार्यक्रम की तैयारी। राष्ट्र से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश की बात। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के जिला अधिकारियों से बात करेंगे। इस दौरान पीएम जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के विकास और वर्तमान स्थिति के बारे में सीधा फीडबैक लेंगे। पीएमओ की दी गई जानकारी के मुताबिक बातचीत का उद्देश्य सभी हितधारकों के साथ मिलकर जिलों में विभिन्न विभागों में मिशन मोड में विभिन्न योजनाओं की पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। दिल्ली में इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति की शिफ्टिंग को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इंडिया गेट पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ग्रेनाइट से बना स्टैचू लगाया जाएगा। पीएम मोदी कल होलोग्राम स्टैचू का उद्घाटन करेंगे। पीएम ने ट्विटर पर स्टैचू की तस्वीर भी साझा की। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने अखिल भारतीय सेवाओं के कैडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में पीएम मोदी को खत लिखा है। उन्होंने पीएम से अखिल भारतीय सेवाओं के कैडर नियम पहले जैसा ही रखने का आग्रह किया है। उनके मुताबिक नियमों में प्रस्तावित संशोधन से प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है और अस्थिरता की स्थिति बन सकती है। तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने कोविड की नकली आरटीपीसीआर रिपोर्ट और नकली कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वाले दो गैंग को गिरफ्तार किया है। ये दोनों गैंग हैदराबाद के मलकपेट और हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन इलाके से अपने काम को अंजाम देते थे। नेगेटिव सर्टिफिकेट ये लोग 2 से 3 हजार रुपए और एक वैक्सीन सर्टिफिकेट के लिए 800 से 1 हजार रुपए चार्ज करते थे। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। कल राजधानी दिल्ली में भव्य सूर्य नमस्कार होगा। इस कार्यक्रम में 25 से 30 हजार लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नजदीक अटल आदर्श विद्यालय में होगा, जहां कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विशिष्ट लोग भी सूर्य नमस्कार में शामिल होंगे। बाकी लोग घरों से इंटरनेट के जरिए भव्य कार्यक्रम से जुड़ेंगे। आरएसएस की सहयोगी संगठन क्रीड़ा भारती की ओर से सूर्य नमस्कार के बड़े आयोजन की पहल की गई है। मध्य प्रदेश का सियासी पारा इस वक्त आसमान पर है। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सीएम शिवराज से मिलने का वक्त मांग रहे हैं, लेकिन मीटिंग बार बार कैंसिल हो जा रही है, जिसके बाद दिग्विजय ने शिवराज के घर जाकर धरना देने का फैसला किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। जहाँ रोका गया दिग्विजय वहीं धरने पर बैठ गए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अमेरिका कनाडा सीमा पर 4 भारतीय नागरिकों के एक ही परिवार की ठंड से मृत्यु के बाद दुख जताया। साथ ही अमेरिका और कनाडा में भारतीय राजदूतों को हालात पर तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये भारतीय गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करवाने वाले गिरोह के शिकार बने। मामले में फ्लोरिडा के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मां बन गई हैं। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। अपनी पोस्ट में प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, हमें ये बताने में काफी खुशी हो रही है कि हम बेबी का स्वागत कर रहे हैं। सरोगेसी के जरिए इस बेबी का जन्म हुआ है। हम इस अहम समय में आपसे आदर पूर्वक आग्रह करते हैं कि हमारी निजता का ख्याल रखें। हालांकि दोनों ने ये नहीं बताया कि बेटा है या बेटी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाकर सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत के 288 रनों के जवाब में साउथ अफ्रीका ने 48 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट खोकर 288 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टेस्ट सीरीज टीम इंडिया पहले ही गंवा चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।